वेलकम टू जी एक्स शगर पंच। यहाँ पर इस फिल्म को देखने के बाद मैं यह कहूँगा कि ये मुझे थोड़ी सी यूनिक और एक अलग किस्म की फिल्म लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस फिल्म की कहानी है एक लड़की की जो कि एक ट्रैप में फंस चुकी है। अब वो खुद को और अपने साथियों को कैसे वहाँ से बाहर निकालेगी, कैसे बचाएगी, ये इस फिल्म की कहानी। तो फिल्म की कहानी में ज़्यादा दम हो या ना हो, अगर आपको कुछ अलग ना भी लग रहा हो, पर यहाँ पर यूनिकनेस क्या है, यहाँ पर वो जो लड़की का कैरेक्टर है वो अपने दिमाग के इमेजिनेशन के ज़रिए और रियलिटी में सेम सिचुएशन को अलग अलग वे में जिस तरीके से हैंडल कर रही होती है और उसको इस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है कि वो कैसे अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में या फिर रियलिटी में किस तरीके से उसको हैंडल कर रही है, इसको जिस तरीके से दिखाया गया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया। और उसी वजह से ये फिल्म मुझे एक अलग हटकर फिल्म लगी जिसको देखने में मज़ा भी आएगा और आपको देखने को बहुत कुछ भी मिलेगा, जैसे कि गजब के एक्शंस और जिसको आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी करोगे। लेकिन यहाँ पर यही इस फिल्म की एक दिक्कत भी हो सकती है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फिल्म थोड़ी सी बकवास लगे और हो सकता है कि ये फिल्म उनको उतना इन्जॉयबल ना भी लगे। तो उनकी बात तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको यूनिक किस्म की फिल्में देखना पसंद है, कुछ अलग हटकर एक्सपीरियंस लेने के लिए आप एक फिल्म देखना चाहते हो, तो आप इस फिल्म को बिल्कुल देख सकते हो। ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये फिल्म किस तरीके की ऑडियंस के लिए है और किस तरीके की ऑडियंस के लिए ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने एक आइडिया लगा लिया होगा। बाकी अब चूज़ कर लो आपको फिल्म देखना है या नहीं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि हाँ, अगर आपको थोड़ी सी यूनिक किस्म की फिल्म देखना है तो आप इस फिल्म के लिए जा सकते हो। और ये फिल्म आपको सरप्राइज़ तो नहीं करेगी, लेकिन बहुत कुछ दे जाएगी जो कि आपको अच्छा खासा इंटरटेन करके निकल जाएगी। फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी। जोहार।